वेलकम टू राहुल फोटो। मैं आपका टीचर राहुल और आज हमारी है फोटोशॉप की 13 क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है ऐड एनी पैटर्न। हम किसी भी मॉडल की ड्रेस में एक पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से होता है, कैसे होता है, छोटी सी टेक्निक होती है, बहुत इजी से लगाया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये इमेज इंटरनेट से ली हुई है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, खुद की इमेज है और अच्छा होता है। तो अभी फिलहाल मैं इसमें कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ कि मुझे इसमें पैटर्न कौन कौन से लगाने हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास एक ये पैटर्न है, एक ये भी है और ये भी है। तीन पैटर्न मेरे डिफरेंट डिफरेंट हैं, थोड़ी सी सेटिंग होगी लेकिन तीनों इसमें फिट हो जाएंगे। तो मैं इनकी आई ऑफ कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे इस ड्रेस में प्लेस करना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ सेटिंग है जो मैं बता देता हूँ। एडजस्टमेंट में जाएं, ह्यू सैचुरेशन, सैचुरेशन को मैं टोटल ब्लैक एंड वाइट में ही सेट कर रहा हूँ। यहाँ से बंद कर देते हैं। फिर से दोबारा एडजस्टमेंट, कर्व्स, थोड़ा सा इसको मैं डिटेलिंग के लिए डार्क में ले जा रहा हूँ। जूम करके लगभग इतनी काफी है। यहां तक हो जाने के बाद इन लेयर को तीनों को सेलेक्ट करें, शिफ्ट होल्ड करके, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई, वन लेयर मर्ज हो जाएगी इसमें। तो मेरी जो लेयर है वो ये है, ठीक। इसमें मुझे थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट डालना है, तो यानी कि मैं फिल्टर में जाऊं, ब्लर, गोशन ब्लर। गोशन ब्लर में आपकी वैल्यू आप चेक कर लें, हर ड्रेस की अलग अलग वैल्यू होती है, क्योंकि थोड़ा लाइट कलर है तो इसकी वैल्यू थोड़ी 3 पे ही रहेगी। ज़्यादा डार्क होगा तो वैल्यू थोड़ी बढ़ सकती है हमारी। तो मेरा 3.0 राइट वैल्यू है, ओके। मुझे यहीं तक इस फाइल को सेव करनी है। कंट्रोल शिफ्ट एस का इस्तेमाल करें, एट एनी पैटर्न के नाम से सिंपल यही फाइल मैं सेव कर रहा हूँ। यस रिपीट, ठीक है, हो जाए। यहाँ तक मैं डिलीट कर रहा हूँ। फाइल क्यों सेव करी और ये क्यों डिलीट करा, अभी आपको जब टेक्सचर लगेगा तो आपको पता लगेगा मैंने ये फाइल क्यों सेव करी थी। तो अभी हम इससे आगे चलते हैं। मुझे इसका ड्रेस सेलेक्ट करता हूँ, तो सिंपल वही ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसकी ड्रेस लगभग यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्लस कर लेते हैं इसको, यानी कि मुझे यहाँ तक चाहिए ये, ठीक है। जब आपकी ये सारी सिलेक्शन अच्छे से हो जाए तो इसमें एक छोटा सा काम करना होगा। शिफ्ट एफ से इसका इस्तेमाल करें, फैदर लें 0.5 का, ओके। मुझे जो मास्किंग है वो इस पे क्रिएट नहीं करनी है, क्रिएट मुझे इस पे करनी है। तो ये लेयर सेलेक्ट रखें, एड ऑन मास्किंग क्लिक करें। एड ऑन मास्किंग जब हो जाएगी तो मैं इसको, इधर सिर्फ हिल रही है मेरी, बड़ी नहीं हो रही है, तो बड़ी के लिए मैं सिंपल इसको पहले सेट कर ले कंट्रोल जेड से, रिवर्स। चैन को अनलॉक करेंगे, अनलॉक करने में यही इमेज रखें, मास्किंग लेयर ना सेलेक्ट रखें, हमें पैटर्न की लेयर सेलेक्ट रखनी है। कंट्रोल टी का इस्तेमाल करें, ट्रांसफॉर्म, ऑल्ट के साथ मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। उसके बाद आप इसकी प्लेसिंग जहाँ रखना चाहते हैं आप वहाँ इजिली रख सकते हैं। तो मुझे करीब ये इमेज यहाँ तक चाहिए और एंटर। एंटर के बाद यहाँ पे मोड चेंज करें, लाइक मल्टीप्लाई, हमारी इमेज रेडी होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद लेकिन कोई चीज़ है, जैसे मैं अभी लॉक नहीं है चैन, तो मैं इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ। जब ये हो जाए इसको लॉक भी कर सकते हैं आप सारा काम। इसमें एक और है कि मोड आप चेंज कर सकते हैं। मोड यानी कि मैं अगर इसमें ओवरले, सॉफ्ट लाइट या कलर लगा सकते हैं, लेकिन अलग अलग पैटर्न पे काम करता है। स्क्रीन ज़्यादा हो रहा था, ओवर अलग होगा, ओवरले भी रख सकते हैं आप। कलर है तो अलग पैटर्न पे चलेगा, लेकिन फिलहाल मैं मल्टीपल रखता हूँ क्योंकि इस ड्रेस में मुझे मल्टीपल ही रखना पड़ेगा। रखने के बाद जब इतना काम हो जाए तो अभी भी और ये टेक्सचर जो है क्लियर नहीं है, क्योंकि
इसमें दो काम होते हैं, या तो लिक्विड पाइप के थ्रू मैं इनको थोड़े ठीक कर दूं, या दूसरा तरीका है फिल्टर में ही सेटिंग है, तो सेटिंग देख लेते हैं एक बार। उससे पहले मैं इसको स्मार्ट फिल्टर में कन्वर्ट कर लूं। जैसे मैंने हमेशा बताया कि हमारी इमेज ज़्यादातर कन्वर्ट स्मार्ट फिल्टर में है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं पहले इसको उठा करके सिर्फ मास्किंग की लेयर को सेलेक्ट रखें, इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। इसके साथ इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ मैं इस पर बंद कर रहा हूँ। पैटर्न की लेयर सिलेक्ट रखें, फिल्टर में जाएं, दूसरा ही ऑप्शन है कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर, उस पर क्लिक कर दें, ये स्मार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल इस पर वापस यही करें, इसको उठा के इसमें प्लेस कर दें, सेम वैसी के वैसी रहेगा। अब मैं इस पैटर्न की लेयर को सेलेक्ट रखता हूँ, फिल्टर में जाएं, डिशॉर्ट, डिशॉर्ट में जाने के बाद डिस्प्लेस में जाएं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल जो है मेरा 99 ही रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे काम करा हुआ है। आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि 99 क्यों रखा गया है। हर पैटर्न में अलग अलग होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी पैटर्न होते हैं उसमें 99 ही चलेगा। तो सिंपल मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके करते हैं तो इसमें पूछता है जो आपकी पहले फाइल थी वो आपके पास है, जो हमने पहले सेव करी थी ब्लैक एंड व्हाइट के तौर पे। तो ये मेरी फिल्ड पहले से PhD है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। थोड़ा सा प्रोसेस हुआ और ये हमारी पैटर्न में रेडी हो गई। अभी इसके साथ चाहे आप इसकी आई ऑफ कर लें, तो जहाँ जहाँ है आप आई ऑफ करके चेक कर सकते हैं। जब आप अच्छे से इसको कर लें उसके बाद क्या करना है, मुझे अगर पैटर्न वैसे ही खिसकाना हो तो सिंपल मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये अलग विंडो में खुल जाएगा। अगर मैं इसको सिंपली नीचे लेके आता हूँ इतना करीब, कंट्रोल एस, सेव हो जाएगा, क्योंकि जो मेरी ऑलरेडी पहले से फाइल थी PhD, ये वहीं पे ही सेव हो रहा है। जैसे ही मैं इधर आता हूँ तो पैटर्न नीचे आ चुका है। ठीक है, और देखना चाहते हैं कि कैसे होगा, थोड़ा सा नीचे लेके आए, फिर से कंट्रोल एस करें, सेव कर दें। सी ये नीचे आता रहा है। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं इसको और ऊपर ले जाता हूँ करीब, सेव, बिल्कुल इसी तरह से आप और भी पैटर्न यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है मैं बता देता हूँ। यहीं पे मैं एक पैटर्न लेके आ जाता हूँ, मेरे पास जो पैटर्न रखे हैं वो मैं इसमें लेके आ जाता हूँ। तो पैटर्न मेरे पास ये हैं करीब, तो मैं पहला ये पैटर्न ही ले लेता हूँ। सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है, आप सिर्फ एंटर कर दीजिए, नीचे वाले की आई ऑफ करें, कंट्रोल एस, सेव कर दीजिए, वापिस अपनी लेयर में आएंगे तो उसी पैटर्न रेडी। जब पैटर्न रेडी हो गया तो ये यहाँ से दिक्कत हो रही है, तो वापिस इसी फाइल में जाएं, कंट्रोल टी करें, ट्रांसफॉर्म, ऑल के साथ थोड़ा बड़ा करें, नीचे लेके आ जाते हैं, या पूरा ही सेट कर दें, थोड़ा सा ऊपर से, सेव, वापिस यहाँ आए, पूरे में पैटर्न आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इस पैटर्न का चेंज भी कर सकते हैं, कलर बॉन भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, सॉफ्ट लाइट, ओवरले। तो फिलहाल मैं इसमें कलर 1 रख देता हूँ, ओपेसिटी में इसकी करीब 60% रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली तैयार हो गया, उसी टेक्निक में ही, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन केस और कोई भी पैटर्न लगाना हो तो वो भी कैसे लगेगा, यही फाइल रखें, वापस यहाँ आए। एग्जाम्पल मेरे पास और एक और पैटर्न है, तो मैं ये भी ले आता हूँ, बड़ा करें, चाहे इसको रोटेट कर दें, थोड़ा सा मैं बड़ा रख देता हूँ, एंटर, किनारे थोड़े बाहर ही निकाल देता हूँ इसके, आई ऑफ करें, सेव एस, वापिस इसी फाइल में आए, तो सी ये पैटर्न भी आपका लग गया। बिल्कुल इजी तरीका है लगाने का। लाइटिंग आप देख सकते हो, इसके साथ मल्टीपल रखना है या कौन सा रखना है वो हम इसमें लगा सकते हो, चाहे तो इसका ओपेसिटी बढ़ा भी सकते हो। इतना हो जाने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी वही अपना 60% रख रहा हूँ। मेरे पास कुछ और भी हैं वो मैं इसमें प्लेस कर देता हूँ। एग्जाम्पल मेरे पास एक ये भी है, तो मैं इसको भी करीब इतना प्लेस कर देता हूँ, इतना रखें,
ओके नीचे वाली आई ऑफ कंट्रोल एस सेव, वापिस जाए तो ये लग गया आपका। मुझे थोड़ा चेंज और कर लेता हूँ, ओवरले सॉफ्ट लाइट, ठीक है सॉफ्ट लाइट में रख के, लेकिन थोड़ा मुझे और कुछ करना है तो मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ, इसीलिए मैं कंट्रोल आई सेव एस, नेगेटिव मोड में चला जाता है हमारा। वापिस आए तो सॉफ्ट लाइट के हिसाब से तैयार हो गया, तो कलर मोड में है या मल्टीपल में, तो चेंज हो गया। थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, सेव फाइल। जैसे जैसे आपकी हैवी होगी तो प्रोसेस लगता रहेगा, सी जितना भी है आराम से आपका पैटर्न लगते रहेंगे। छोटा सा काम और कर लेते हैं, मुझे थोड़ा सा यहाँ लाइट है यहाँ डार्क है, तो वो कैसे करना होगा, इसी लेयर को सिलेक्ट रखें, एडजस्टमेंट में जाएं, कर्व में जाएं, थोड़ा सा इसे डाउन करें, ऐड टू क्लिपिंग मास, थोड़ा ब्राइट एंड डार्क। अब रहा हेयर का सवाल, आप हेयर भी निकाल सकते हो, मासिंग रेडी है हमारे पास। ब्रश टूल लें, ओपेसिटी कम रखें, इसमें आप सिंपल सॉफ्ट पे ही काम करें। एक्चुअली मेरे पे पेन टैब है नहीं, तो जब पेन टैब होता है तो काफी स्मूथली काम करता है, जो जो हमें तरीके से काम करना वो और अच्छे से डिटेलिंग निकाल देता है। प्रेशर पॉइंट पे ही काम करता है पेन टैब। तो आपके सामने बिल्कुल रेडी है इमेज, अब आप देख सकते हैं। तो ये टेक्निक आपको अच्छे से समझ में आई होगी, हम किस तरह से एक पैटर्न को लगा सकते हैं, इवन कोई भी ड्रेस हो या आपका फैशन शूट करा हुआ मेल फीमेल उसमें भी लग सकता है। छोटी सी टेक्निक होती है, इजीली पैटर्न लग जाएगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें, और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।